दोस्तों, मैं हूं परदुम भारद्वाज। इलेक्ट्रिकल माई टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि रिले कैसे काम करता है और इलेक्ट्रिकल पैनल में बनाने के लिए रिले का क्यों उपयोग किया जाता है और ये कहां कहां लगते हैं, तो देखेंगे इस वीडियो में हम। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ रिले हैं। तो दोस्तों, रिले दो प्रकार के होते हैं। एक पहला जो NO और NC काम करता है, सिर्फ NO और NC काम करता है, और दूसरा कोई नॉर्मल करंट जब चल रहा हो उससे अधिक होने पर NO NC बनना। इसका रेंज रहता है थ्री फेज का है या सिंगल फेज का है। तो ये हमारे पास थ्री फेज का है, तो इसमें से हम थ्री फेज सप्लाई देंगे तो इसका जो आउटपुट सप्लाई निकलेगा, जो इसका आउटपुट सप्लाई निकलेगा, तो हम जैसे मोटर चला रहे हैं तो मोटर के लिए सप्लाई इसमें से निकाल के देंगे। जब वो मोटर चलता है तो मान लो इधर पे रिले रेंज दिया है, मान लो हमारा मोटर है 20 एम्पीयर करंट दिया है, 20 एम्पीयर तक इसका रेंज रखे हैं। तो इसमें से जब हम सप्लाई देंगे, थ्री फेज सप्लाई दिए इसमें से, तो इसमें से जब आउटपुट निकला तो आउटपुट मान लो मोटर को गया, तो मोटर 20 एम्पीयर करंट ले रहा है, ठीक है, 20 एम्पीयर करंट ले रहा है, तो वो तो चल रहा है अभी। तो हमारा जो ये NC है ना, NC क्या है? तभी NC बना रहेगा जब 20 एम्पियर से, जब 20 एम्पियर से अधिक करंट जाएगा, 20 एम्पियर से अधिक करंट जाएगा तो जो NC है ना वही NO में बदल जाता है, ये NO में बदल जाता है, तो ये हमारा नॉर्मल ओपन हो जाता है, ये नॉर्मल ओपन हो जाता है। और ये जो NO बना है ये NC हो जाता है, जब अधिक करंट जाता है तब ये NO NC बन जाता है। बस इसका इतना ही काम रहता है, इतना ही काम करता है इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है इसमें। इसे हम बताते हैं आपको, ये NC है, ठीक है, और NO है। अब आ जाते हैं दूसरा टाइप। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जो रिले है, ये रिले इस कंडक्टर के जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है, कंडक्टर के जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये सेम कंडक्टर के जैसा काम करता है। इसके अंदर एक कॉइल लगा रहता है, इसमें लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा, 240 वोल्टेज का है। इसमें कंडक्टर के जैसा भी 440 वोल्टेज का भी आता है और 230 का भी आता है। ये क्या करते हैं, ये जो पिन देख रहे हो आप, ये तो कॉइल का पिन है। जब इसमें हम पिन को सप्लाई देंगे, ये दोनों कॉइल को हम सप्लाई देते हैं, तो इसमें जो सेंटर वाला है एक कॉमन रहता है और एक NO रहता है, एक NC रहता है। तो इसमें क्या होता है, हम चेक करके आपको बताते हैं। एक एक कॉमन है दोस्तों, एक कॉमन है और NC है, NC है, ठीक है, NC है और NO है। जब हम इसको सप्लाई देंगे, जब ये चालू होगा, जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये हमारा जो ये NC है ना, NC ये तुरंत NO बन जाता है, तो NO बन जाता है, ये NO बन जाता है। फिर ये जो हमारा NO है ना, NC बन जाता है, यानी ये जो पट्टी है, ये पट्टी इसमें जो बत्ती इसमें जल रहा है, इसमें जलने लगता है। इसको हम समझाएंगे आपको, डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। इसको पहले हम रखते हैं, और इसमें भी है, इसमें भी वही काम करता है। बस इसमें क्या करता है, जो ये जो ओल्ड मॉडल है, तो इसमें दोस्तों क्या करता है, ये जो नीचे का दिख रहा है ना, ये नीचे का सप्लाई, ये जो नीचे का दिख रहा है, ये वाला, ये हमारा कॉइल का है, और इसमें क्या NO NC दिया है, ये जो बीच में दिख रहा है आपको, इसमें क्या किया है, इसमें नीचे का दो कॉइल दिया है, ये दिख रहा है ना, एक कॉइल है, एक कॉइल कॉइल दिया है, और ये जो दिख रहा है ना, एक कॉमन दिया है और एक कॉमन दिया है, यानी इसमें NO NC दो दे दिया है, इसमें NO NC दो दिया है, ठीक है।
और इसको 230 वोल्टेज से सप्लाई देंगे तो चालू हो जाएगा, 240 वोल्टेज से सप्लाई देंगे चालू हो जाएगा। तो हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ स्टार्टर हैं, तो हम आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं। हम इसको लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा टर्मिनल है, तीन टर्मिनल है, तीन टर्मिनल बनाएंगे, इधर भी तीन टर्मिनल बनाएंगे, ठीक है। टर्मिनल बनाने के बाद ये हमारा रिले का कॉइल है, ठीक है। रिले के अंदर कॉइल है, ठीक है। तो एक कॉइल है दोस्तों, और इधर पर हमारा सप्लाई आ जाएगा, रेड येलो ब्लू, हम इसको इनपुट सप्लाई देंगे। हम इनपुट सप्लाई जब देंगे इसके, तो इधर पे हमारा आउटपुट सप्लाई निकलेगा, ठीक है। इनपुट सप्लाई निकला। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपको तो हम बता ही दिए हैं, फिर भी आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं। ये हमारा मोटर है, ये हमारा मोटर है, ठीक है। ये मोटर चलाने के लिए हमें थ्री फेज का सप्लाई की ज़रूरत पड़ता है। मान लो हम रिले रेंज दिए हैं, ये रिले रेंज दिए हैं, ये हमारा नो है, दूसरा ANC है, ठीक है। ANC है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम सप्लाई इसको दिए थे, ठीक है, सप्लाई दिए थे हम, इसमें से मान लिए हमने मोटर को सप्लाई दिया, ठीक है, हमने मोटर को सप्लाई दिया। ये मोटर हमारा, ये हमारा मोटर 20 एम्पियर करंट ले रहा है, ठीक है, ये 20 एम्पियर करंट ले रहा है। तो यहाँ पे हमने रिले रेंज सेट किया है, यहाँ पे हम रिले रेंज सेट किए हैं, मान लो 20 एम्पियर, हाँ 20 एम्पियर का रिले रेंज सेट किए हैं, ठीक है। इसे बनाएंगे, ये 20 एम्पियर का रिले रेंज है, ठीक है, ये 20 एम्पियर का रिले रेंज सेट किया हूँ, इधर पे दिया भी है, ये दिया भी है, ये रिले रेंज सेट किया हूँ। जब हम सप्लाई दिए तो हमारा कभी मोटर ख़राब हुआ, ठीक है, जैसे मोटर एक ख़राब हो गया, ये मोटर जैसे खराब होगा तो करंट अधिक जाएगा ना, अधिक करंट जाने से क्या होता है, तो हमारा जो अधिक करंट गया, मान लो अधिक करंट गया, जो ये एनसी है ना, एनसी एनसी क्या होता है,
तुरंत NO में बदल जाता है, ये तुरंत NO में आता है, यानी ये खुल जाता है, जो पट्टी है ये अलग हो जाता है, और जो हमारा ये NO है ना, NO ये तुरंत चिपक जाता है, यानी पट्टी को क्लोज हो जाता है। बस इसका इतना ही काम रहता है और इसके अलावा कुछ काम नहीं इसका रेंज। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारा दूसरे टाइप का NONC रिले। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें कुछ होता नहीं है, बस छोटा सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप भी समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पिन दिया है ना, ठीक है, चलो ठीक है, हम यहाँ पे बना देते हैं। माना इधर पे हमारा माना इधर पे हमारा एक कॉमन है, ठीक है, और ये हमारा ठीक है। ये पट्टी है, ठीक है, ये रेंज की बात कर रहे हैं, ये पट्टी है, और मान लो इसका एक कॉइल है, ठीक है, ये एसी से जुड़ा हुआ है, इसका कॉइल है, सप्लाई जब देते हैं ना, ये देखो नीचे दिया हुआ है, 200 सप्लाई दिया हुआ है, इसमें 240 वोल्टेज का सप्लाई देंगे तो ये NO और NC काम करना चालू हो जाता है, ठीक है। इसको बहुत आसान तरीके से समझ, बहुत आसान से, एक बार अगर ध्यान से समझ गए तो समझो आपको रिले के विषय में सब जानकारी आ गई, ठीक है। मान लो ये हमारा कॉमन है, क्या है कॉमन है, ये पट्टी है, ये पट्टी है, ठीक है, ये पट्टी है, और एक इसका पट्टी है, ये इसका पट्टी है, ठीक है, जो ये पट्टी है ये मान लो हम इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है, ये पट्टी है, तो ये हमारा कॉमन है, कॉमन को सी से दर्शाते हैं, ठीक है, और ये हमारा NC हो गया, NC हो गया ना, क्योंकि ये तो क्लोज है ना, क्लोज है ना, आपस में जुड़ा हुआ है, तो NC हो गया, ये NC हो गया सप्लाई, ठीक है। तब दोस्तों हम इस कॉइल में, ये जो इसका कॉइल है रिले का, हम इसमें जब सप्लाई देंगे, यहाँ से हम जब 240 वोल्ट सप्लाई देंगे, तो ये जो NC है ना दोस्तों, ये जो पट्टी है ना, ये पट्टी जो है ना, आके इसमें चिपक जाता है, ये पट्टी आके इसमें चिपक जाता है, इसमें आता है, ठीक है, इसमें आएगा और आके इसमें चिपक जाता है, तो ये आके ये इसमें चिपक जाएगा। मान लो मैं इसको ऐसे दर्शा दिया, इसमें आगे चिपक गया, जो ये NC है, ये NC है ना, तो ये NO हो जाता है, ये NO हो जाता है, और ये NC हो जाता है, ठीक है, ये NO था पहले, ठीक है, NO था सप्लाई चालू होने के बाद, ठीक है दोस्तों, सप्लाई ऑन होने के बाद। सप्लाई ऑन होने के बाद ये NO हो जाता है और NC हो जाता है, ये रिले काम करता है, ये वाला रिले। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अभी देखो इसमें क्या, खाली NONC एक दिया है, ठीक है, और इसमें क्या क्या है, NONC एक तरफ दे दिया है, NONC एक तरफ दिया है, यानी इसमें दो NONC दिया है, इसमें दो दो सर्किट चला सकते हो, यानी कोई भी सर्किट, दो सर्किट ऑपरेट कर सकते हो,
बस दोस्तों, अगर ये बस रिले, कोई भी रिले हो, कोई भी रिले, रिले का बस इतना ही काम होता है। रिले में क्या होता है, छोटा साइज आता है, कम एम्पियर अधिक होता है, छोटा बड़ा ऐसे छोटे से छोटे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में लगते हैं, वो भी रिले बस ऐसे ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए। ठीक है।